सिंगरौली जिले के मोरवा मैडोली वार्ड क्रमांक 10 में विस्थापित नेता सत्येंद्र शाह एवं भारतीय विस्थापित संघ सिंगरौली के संगठन मंत्री आरपी सिंह, सचिव राजेश्वर प्रसाद, वैश्य अध्यक्ष लक्ष्मण पांडे, महामंत्री केवल नाथ सिंह, अध्यक्ष पीपी यादव की अगुवाई में एनसीएल जयंत एवं दुधीचाऊ परियोजना के विस्थापन की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विस्थापित नेताओं ने एनसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना द्वारा मुआवजा में कटौती की जा रही है, प्लॉट नौकरी एवं परिवार पंजीयन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। विस्थापित नेताओं का कहना है कि अगर शीघ्र उनकी सुनवाई नहीं होती है तो 2 जनवरी को उग्र आंदोलन करते हुए कोयला डिस्पैच सहित जयंत सीएचपी बंद किया जाएगा। पिछले 21 दिसंबर से हम लोगों का अपने हक की लड़ाई जारी है। 23 मील पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें विस्थापितों की मूल समस्या को लेके हम लोग एक ज्ञापन माननीय विधायक जी के लेटर पैड में और भारतीय विस्थापित संघ के लेटर पैड में कई बार एनसीएल प्रबंधन को दिया गया है, लेकिन एनसीएल प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। विस्थापितों के साथ हमेशा छलावा हो रहा है। इसी को लेकर हम लोग आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए 21 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं और इसके कड़ी में जोड़ते हुए हम लोग 2 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन आंदोलन के साथ खदान में कूच करेंगे और जब तक हम लोग के साथ हक और न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना सीएचपी जयंत को रोक के और पूरे जयंत खदान का डिस्पैच रोक के प्रदर्शित जो पहले से मांगे हैं कि यहाँ के विस्थापितों को सही तरीके से विस्थापन किया जाए। बहुत लोगों का मुआवजे में कटौती की गई है और परिवार सूची में बहुत सारे विस्थापितों को छोड़ा गया है, उसे जोड़ा।